चेक यानी कि थर्ड ग्रेड टीचर्स में जहां पर आरक्षण को बढ़ाया गया क्योंकि यहां पर तृतीय श्रेणी शिक्षक में 30% ही आरक्षण होता था, अब इसको 20% बढ़ाते हुए 50% कर दिया गया। अब उन महिलाओं को जो आरक्षण मिलने वाला है उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं संगठन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन करेंगी क्योंकि जब विधानसभा होने वाला था तब अग्रणी करके उनका संकल्प पत्र ही रखा गया था बीजेपी का, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद कई वादे भी महिलाओं के अपग्रेडेशन के लिए किए गए थे, महिला को सशक्तिकरण करने के लिए पहल की गई थी, लेकिन क्योंकि आचार संहिता लग गई थी तो वो धरातल पर उतर नहीं आई थी। लेकिन जब अब सरकार गठित हो गई है लोकसभा की तो अब ये आरक्षण बढ़ाया गया है थर्ड ग्रेड टीचर का, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मुख्यमंत्री का अभिवादन करेंगी, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगी। सीएमआर में सुबह 9:30 बजे महिलाएं मुलाकात करेंगी। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में महिलाएं आज सीएमआर पहुंचेंगी। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्री बजट बैठक भी करने वाले हैं, जिसमें ताबड़तोड़ इस बैठकों का दौर जारी है और आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे सीएमओ जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वहां पर युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों से आगामी बजट पर चर्चा की जाएगी। फिर कार्यक्रम आगामी बजट पे चर्चा का आगे बढ़ते हुए 3:30 बजे महिला प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की जाएगी प्री बजट पर, जहां पर चर्चा वो करेंगे महिलाओं से भी। उसके बाद बैठक में संबंधित विभाग से जुड़े जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो सब भी मौजूद रहेंगे। शाम को राजस्थान से जुड़े रेलवे संबंधित प्रकरणों को लेकर भी मीटिंग की जाएगी। मीटिंग में रेलवे और राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो प्री बजट को लेकर ना सिर्फ जयपुर में ही या फिर राजस्थान में ही अलग अलग प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, बल्कि प्री बजट के लिए वो दिल्ली भी गए थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 घंटे की मुलाकात हुई थी। उसके बाद जब आए थे तो तमाम मंत्रियों से भी मुलाकात हुई थी। उसके बाद प्री बजट का बैठक लगातार जारी है क्योंकि इस बार विकसित राजस्थान, विकसित भारत 2047 के साथ विकसित राजस्थान का भी दृष्टिकोण रखा गया है। तो चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे वो खेल का हो, तमाम मंत्री अधिकारी आज बैठकों के दौर में शामिल होंगे। साथ ही खेल और महिलाएं प्रतिनिधि भी आज बैठक में पूर्व बजट की डिस्कशन की